अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। उम्मीद करती हूँ सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बनाऊँगी इरबी शोरबे वाली, तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, इनको ब्राउन कर लेना है अच्छे तरीके से। ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसमें इरबी डाल दूंगी। इरबी को मैंने इस तरह मोटा मोटा काटा है और काट के उसको अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसको प्याज़ों में फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। इसमें मसाले जाएंगे, लहसुन अदरक का पाउडर है, नमक हसबे ज़रूरत, मिर्चें हैं, सूखा धनिया और मेथी, गरम मसाला और चिकन पाउडर। इरबी फ्राई हो चुकी है प्याज़ों के साथ, और साथ ही अब मैं मसाले ऐड कर दूंगी सारे। और साथ ही 2 अदद टमाटर। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी इसमें। अब इसको अच्छी तरह से भून लेना है सारे मसाले। ताकि अच्छी तरह से टमाटर भी गल जाए। टमाटर गल चुके हैं अच्छी तरह से और मसाला भी तकरीबन भुन चुका है। इरबी को इसी तरह ही आपने फ्राई करना है प्याज़ों के साथ ही, अलहदा से नहीं फ्राई करना। अब इसमें पानी डाल दूंगी। इतना पानी डालना है कि इरबी अच्छी तरह से गले। इसको मैं कुकर में गला लूंगी। 10 मिनट के लिए मैंने कुकर में इसको गला लिया है। अब बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। जी, इरबी का सालन बिल्कुल तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।